आप में से कितनों को जुकाम खांसी ये कितनों को हाथ खड़ा करो देखो जिन्हें जिन्हें जुकाम खांसी ये बलगम रेशा बुखार ये चीज कितनों को ये देखो कितने लोग हैं कि सुनने में ये नॉर्मल लगता है क्या लगता है सुनने में नॉर्मल लगता है पर जिसे जिसे बुखार है जिसे ये प्रॉब्लम है वो ना अच्छे से खाता है ना पीता ना सो पाता है होता है कि नहीं होता नहीं होता हालेलुया तो प्रेरित जी जो सिस्टर बता रहे हैं कि कुछ दिनों से इनको भी काफी तेज खांसी कोल्ड और फीवर था और जैसे सुबह प्रेयर इन्होंने रिसीव किया जो बता रहे उसी समय प्रभु की ग्रेस ने इनको शोवा भी बिल्कुल जी फ्री हो चुके खांसी भी नहीं है कोल्ड भी नहीं ये बात ये नहीं है कि तुम्हें एक ही तरह का रोग है तो हाँ मौसम ऐसे चल रहा है हाँ अब देखो ध्यान से सुनो चलो मैं एक चीज आपको बताता हूं अब हो सकता कोई इंसान अगर शरीर में होगा शरीर में तो वो सोचेगा ये सर्दियां ये तो नॉर्मली बात है बोलो क्या ये नॉर्मली बात है सुनो मेरी बात ये तो नॉर्मली बात है पर ये देखो कि अब जब से ये दिसंबर शुरू हुआ है दिसंबर ये जनवरी चल रहा है कोई भी ऐसे स्पेशली तौर पे ऐसे हीलिंग नहीं बोली हो हाँ कभी भी ऐसे नहीं हुआ ठीक है कहीं एक बात आधा शब्द प्रेयर में करते करते बोल दिया पर स्पेशली नहीं ऐसे बोले परमेश्वर जानता है आपके मन को वो चंगा करने वाला आपके बीच है आमीन तारीफ करो इस बात के लिए भी जोर से जोर से जोर से सेकंड जो बता रहे कि इनको कोल्ड और खांसी और बुखार था और जो बता रहे जैसे आज प्रभु के दास के द्वारा जो वर्ड है जो रिसीव करते कि परमेश्वर इस प्रॉब्लम से इनको फ्री कर चुके हैं ये तो होना ही होना है हाँ ये तो ये जितने भी जाने आज बैठे थे ना हाथ खड़ा किए थे ये सबके लिए हो चुका है आमीन हालेलुया तो प्रेरित जी जो सिस्टर बता रहे कि इनको सुबह से बहुत ज्यादा फीवर था और जैसे ही जो बता रहे प्रभु के दास के द्वारा हीलिंग सो इन्होंने रिसीव किया बता रहे उसे समय प्रभु के ग्रेस ने इनको शुआ भी बिल्कुल उस बुखार से फ्री हो चुके हैं तारीफ करो इस बात के लिए भी ये तो मुंह मांगा बारो हो गया हाँ हमेशा तो कहते अनेक कामों को दिखाओ मैं तुझे मुंह मांगा बार दूंगा हाँ वो दे रहा है बखा रहा है अपने वचन को हालेलुया तो प्रेरित जी जो सिस्टर बता रहे कि इसके बेटे को भी काफी ज्यादा कोल्ड और खांसी की प्रॉब्लम है और जो बता रहे कि इसके लिए जब प्रभु के दास के द्वारा हीलिंग्स वर्ड्स आया उसे समय उन्होंने रिसीव किया और प्रार्थना की और जो विश्वास करते कि परमेश्वर इस प्रॉब्लम से इसको फ्री कर चुके थैंक यू जीसस करो धन्यवाद करो इस बात के लिए भी